सीरियल उड़ारिया में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से घर में पूजा होती है और तान्या जो है वो सब कुछ संभालने की कोशिश करती है। ये सब हो जाने के बाद अब तान्या का घर जाने का समय हो चुका है, यानी तान्या अपने घर यानी कि रूपी सिंह के घर जाएगी तेजो बनकर। ऐसे में अब जो है फतेह की माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि तेजो वहाँ से जाए, इसलिए अब वो कहती है कि जल्द से जल्द रूपी सिंह जी से बात कर लिया जाए कि फतेह और तेजो की शादी जल्द करवा देंगे, यहाँ पर घर पर ही मंडप लगाएंगे और शादी हो जाएगी। आपको बताते चले कि यहाँ पर वो ये भी कहती है कि मैंने माता रानी से मन्नत मांगी है। ऐसे में ये सुनने के बाद तान्या और फतेह ही होश उड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं कि अब क्या होगा। आपको बताते चले कि यहाँ पर अब दोनों एक साथ शादी करने से मना कर देंगे। ये सुनने के बाद जो है वो होश उड़ जाएंगे किसके, तो यहाँ पर सभी घर वालों के, कि आखिर फतेह और तेजो ने शादी करने से क्यों मना की। यहाँ पर ये दोनों ये बात कह देंगे कि शादी मैं अभी हम लोग नहीं कर सकते, अभी हमें वक्त चाहिए, हमारे आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा हो चुका है और उस हादसे से निकलने के लिए वक्त मुझे चाहिए। इधर जैस्मीन अपने पापा के पास है और उसे घर जाना, अपने ससुराल जाना है, जहां वो एक अलग ही मकसद, एक अलग ही साजिश रच रही है। देखना दिलचस्प होता है कि आखिर इस जैस्मीन का असली मकसद है क्या।